गांव में उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। तो इस साल के कैप्टन पवन कुमार जम्मू कश्मीर के पामपोर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दो तस्वीरें इस वक्त पामपोर में, अभी भी एनकाउंटर जारी है और सेना आतंकियों से मोर्चा ले रही है। दूसरी तरफ इस शहीद को अंतिम विदाई जींद में दी जा रही है। विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता विपिन। पवन के पिता ने कहा था, मेरा एक बेटा है जिसे मैंने सेना को दे दिया, देश को दे दिया, बहुत गर्व कर रहा है इस वक्त जींद अपने इस शहीद पर। वो सलाम करता है उस परिवार को, उस माँ को और इस देश की धरती के सपूतों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। पवन खटकर एक ऐसा नाम है जो कि शहादत हासिल कर देश की उन कई परिवारों को खुशहाली दे गया। लेकिन आज उनके गांव की बात करें, जींद की बात करें, तो पूरा जींद गमगीन था। लेकिन फक्र से हर परिवार की छाती चौड़ी भी है कि इस जगह के बेटे ने, इस जगह के सपूत ने देश का नाम रोशन किया है आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और उनके पिता अभी भी यही बात, यही अपील युवाओं से कर रहे हैं कि देश के जितने युवा हैं वो सेना में जाएं और देश का नाम रोशन करें। तो हम सलाम करते हैं उस जज्बे को। अभी थोड़ी देर पहले ही अंतिम विदाई दी गई है पवन को। पूरा का पूरा अगर इस इलाके की बात करें तो जाम अभी भी कई जगहों पर है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर एकजुट हुए, रोड खोले गए और यहाँ पर अंतिम विदाई शहीद को दी गई है। जी राजीव, यकीनन विपिन, इस तरह के युवक, इस तरह के युवा हमारे देश के प्रहरी के रूप में काम करते हैं और एक मिसाल पेश की है कैप्टन पवन ने। आप लोगों के साथ हैं इस गांव में, लोगों के आंखें जरूर उनकी नम होंगी लेकिन जोश भी दिख रहा है लोगों में। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो हालात इस समय हरियाणा में हैं उसके बावजूद अगर इस जगह की बात करें तो लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पवन खटकर, शहीद पवन खटकर की विदाई के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि पवन बहुत चहेते थे अपने गांव के, मात्र 23 साल की उम्र में शहादत हासिल करना, देश की माँ के लिए बलिदान देना, देश की खुशहाली के लिए बलिदान देना, गमगीन आंखें जरूर दिखी इनके गांव में। लेकिन हर परिवार ये कह रहा था कि हमारे बेटे हो तो पवन खटकर जैसे हो, तो एक गर्व की बात है उस परिवार के लिए और उस परिवार के जज्बे के लिए जो अभी भी एक बात कह रहा है कि देश के जितने युवा हैं उनको सेना में जाना चाहिए। जी राजीव, यकीनन विपिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विपिन परमार हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे जींद से, जहां पर कैप्टन पवन की, उनकी पवन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है जींद।